कोरोना महामारी के बीच एक और नए वायरस H5N1 यानी कि बर्ड फ्लू ने दे दी है भारत में दस्तक। जी हाँ दोस्तों, H5N1 वायरस, जिसे बर्ड फ्लू वायरस भी कहा जाता है सामान्य बोलचाल में, इस वायरस ने दे दी है भारत में दस्तक और भारत के कई राज्य इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है, यहाँ तक कि केरल में तो हाई अलर्ट भी घोषित किया जा चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डेनिस कुमार, स्वागत करता हूँ आप सभी का मनोरंजन वाला में। दोस्तों, कोरोना महामारी की चपेट में ये दुनिया तो थी ही, हमारा देश भी था कोरोना महामारी की चपेट में, और अब इस महामारी की चपेट में एक और इजाफा हो गया है, एडिशन हुआ है बर्ड फ्लू वायरस का। जी हाँ दोस्तों, बर्ड फ्लू वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है, भारत के कई राज्य परेशान हैं, केरल में तो हाई अलर्ट तक घोषित किया जा चुका है। दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और गुजरात में बर्ड फ्लू बड़ा खतरा बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, इन राज्यों में बर्ड फ्लू ऑलरेडी एक बड़ा खतरा बन चुका है। केरल की सरकार ने तो इसे आपदा तक घोषित कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर अलर्ट पर हैं। जी हाँ दोस्तों, इन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है बर्ड फ्लू वायरस को लेकर के। ध्यान देने वाली बात यह है कि केरल में अब तक 1700 बत्तखों की मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 1700 बत्तख जा चुके हैं केरल में। राजस्थान के झलवारा, कोटा समेत 16 जिलों में अब तक 625 पक्षी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कई पक्षियों ने जान गंवाई है, हिमाचल प्रदेश में भी कई पक्षियों ने जान गंवाई है। और इस बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए चिकन और अंडों को नहीं खाने की सलाह दी जा रही है। तो दोस्तों, आप भी सावधानी बरतें और कुछ दिनों के लिए, जब तक ये वायरस हमारे बीच है, चिकन और अंडों से दूरी बनाकर रखें।